सारी जमातें हमारे ही दरवाजे पे अल्ताफ भाई के 90 पे आती हैं और कोलिशन में लेती हैं। एतराज तो आप दूसरी जमातों पे करते हैं कि ये फ्यूडल्स हैं, ये जागीरदारा निजाम को सपोर्ट करते हैं, तो आप उनसे क्यों इत्तेहाद करते हैं? एक सियासी और जमहूरी जमात होने के बावजूद जमहूरी पैरामीटर्स में रहते हुए स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? जुडिशरी किसी को भी कॉल कर सकती है टू इम्प्लीमेंट देयर ऑर्डर्स। अल्ताफ हुसैन साहब वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने जरदारी साहब का नाम सदर के लिए प्रपोज किया था, तो क्या अल्ताफ हुसैन साहब ने भी गलती? हमारे पास तलखियां हैं बहुत, हम नहीं चाहते थे कि सिंध में फिर से कोई खुदा ना खास्ता लड़ाई झगड़ा हो। दारी साहब तो पोर्टफोलियोस बांट चुके थे, तमाम जागीरदार हुकूमत में आ गए थे, आपने तो बाद में हुकूमत ज्वाइन की है पीएमएलएन के छोड़ने के बाद। हमने इन दोनों जमातों में रहते हुए फ्यूडल मेंटेलिटी तकरीबन खत्म की है, जागीरदारों से अब पूरा मुल्क नफरत करने लगा है। पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, अल्ताफ हुसैन साहब को मायूस होकर यह स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, नेवर, कभी हुई नहीं। एक वीटो एमक्यूएम के पास है कि अगर एमक्यूएम अपना वीटो इस्तेमाल करती है तो इस हुकूमत का बोरिया बिस्तरा लपेट दिया जाता है, जमहूरियत को कुछ नहीं होता। एक वीटो आर्मी के पास है कि वो अगर अपना वीटो इस्तेमाल करें तो हुकूमत का बोरिया बिस्तरा भी लपेट दिया जाता है और जमहूरियत का बोरिया बिस्तरा भी लपेट दिया जाता है। बजाय इसके कि आप अपना वीटो इस्तेमाल करें, आप बेहतर समझते हैं कि आर्मी अपना वीटो इस्तेमाल करे और जमहूरियत का बोरिया बिस्तरा लपेट। सिस्टम को नहीं डीरेल करना चाह रहे हम, ये खुल के कह रहे हैं। और कैसे खुल के कहें, फ्रेंच बोल नहीं रहे भाई, उर्दू बोल रहे हैं। अगर एमक्यूएम तब्दीली की इतनी बड़ी चैंपियन है तो मिडिल क्लास वुकला अदलिया बहाल कराने के लिए पहले एक मिलिट्री डिक्टेटर के खिलाफ और फिर इन्हीं जागीरदारों के खिलाफ निकले, आपने साथ क्यों नहीं दिया? पहले वाला मामला पीसीओ का था, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। मैंने आपको करामत साहब की एग्जांपल दी ना कि उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव कहेगा तो हम इंटरवीन करेंगे, माजी करेंगे। माजी की बात नहीं हो रही है, आज मुल्क मुश्किल नहीं, माजी या हाल, कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन है। हां तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में यही प्रोविजन है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज, आर्मी कहीं नहीं है, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है आर्मी। तो मैं भी यही बोल रहा हूं भाई, जब देखें अब आप समझना ही ना चाहो तो फिर बेमुश्किल। तो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में रहकर, मुशर्रफ साहब के साथ 5 साल हुकूमत में रहकर, और इस वक्त आपके जो सिंध के गवर्नर हैं वो हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर हैं इशरत अली बास साहब, ये तमाम चीजें लेकर आप उस रूलिंग एलीट का हिस्सा नहीं है तो क्या है फिर? मैं कब मना कर रहा हूं? तो आप हिस्सा हैं फिर, आप देखें जिम्मेदार ना हुए इसमें। मैं कब मना कर रहा हूं? मैंने तो पॉइंट आउट कराया है, हमारे 25 नंबर मैटर नहीं करते, असल पावर कहीं और है। 25 सीटों की पार्टी के अल्ताफ हुसैन साहब ने लंदन से बैठकर एक तकरीर फरमाई है, पूरे मुल्क में हलचल मच गई है, वोट मैटर नहीं करते, आवाज बहुत मैटर करती है आपकी पार्टी की।